छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग में गांव को विकास के पथ पर लाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अब गांव में गरीब व असहाय लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों की हर संभव मदद की जाएगी। आपको बता दें कि बिहारी लाल प्रधान के नेतृत्व में भीम आर्मी निगरानी विकास समिति का गठन किया गया है। बता दें कि इस समिति को सर्वसम्मति से गठित किया गया है, जिसमें कुल 20 सदस्य सम्मिलित हैं और इनमें से कुछ सदस्यों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जिम्मेदारी पदों का दायित्व सौंपा गया है। समिति का उद्देश्य गांव को एकजुट करना, विकास की पथ की ओर लाना, गरीब, असहाय, निःशक्त और असाक्षर व्यक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान रंजन यादव, सरनज नेताम तथा कई अन्य मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से संवाददाता आदित्य बेहरा की रिपोर्ट। आज आपके ग्राम पंचायत सुगलीवाटा धूपकोट में भीम आर्मी निगरानी विकास समिति का गठन किया गया है, इसमें कितना सदस्य हैं और इसका क्या उद्देश्य है? आज हमारे ग्राम धूपकोट ग्राम पंचायत सुगलीवाटा में भीम आर्मी निगरानी समिति का गठन किया गया। इसमें मुख्यतः उन चुनिंदे लोगों को चुना गया है जो गांव की उन्नति और विकास के लिए हमेशा तत्परता के साथ कार्य करते हुए आ रहे हैं। इस कमेटी में अब तक 20 सदस्य दोनों गांव का 10-10 की संख्या को लेकर के 20 सदस्य चुना गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस कमेटी का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है, हमारा जो गांव है पिछड़ा हुआ है, हमारी गाँव के लोगों की जो विचारधारा है वो पिछड़ी हुई है। उन पिछड़ी हुई विचारधाराओं को उभरने के लिए हमने कुछ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और संयोजक के रूप में कई पदाधिकारियों का चयन किया है और गांव की उन्नति और विकास को लेकर के एक विकास का कदम या विकास का पहल करने हेतु इसे निगरानी समिति का गठन किए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।